The purpose of this channel is to exploring innovative business ideas, mastering fundamental analysis, and deeply learn the technical analysis of trading, navigating the stock market landscape, understanding Pakistan's economic dynamics, and many other things about businesses. So join this family to keep learning. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा PSX के कोर्स का लेक्चर नंबर 24 है और आज का हमारा टॉपिक है सेटलमेंट वॉल्यूम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि आज हमारा जो सेटलमेंट वॉल्यूम है वो 0% रहा इस शेयर का। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी शेयर बाई किए गए हैं उसी दिन सेल आउट कर दिए गए हैं। और हमारी मार्केट में ऐसा नॉर्मली होता है, जो कि इंट्राडे शेयर्स होते हैं जिनमें डेली ट्रेडिंग हो रही होती है, उन शेयर्स में जिस दिन बाई किया जाता है शाम तक मार्केट क्लोज होने से पहले शेयर्स को निकाल दिया जाता है। देन हमारे पास आता है 50% वॉल्यूम। ये बिल्कुल कॉमन होता है। लेट्स सपोज मैंने एक शेयर बाई किया सुबह और शाम को मैंने उसका 50% वॉल्यूम सेल कर दिया और 50% वॉल्यूम होल्ड कर दिया है। 50% वॉल्यूम मैंने प्रॉफिट या लॉस में निकाला है और 50% मैंने होल्ड करके रखा है कि इन फ्यूचर इसे प्रॉफिट में निकाल दूंगा। देन हमारे पास आता है 80% वॉल्यूम। जो हम शेयर्स बाई करते हैं उनमें से 80% हम होल्ड कर देते हैं और 20% हम सेल आउट कर देते हैं। ऐसा मार्केट में हमारा कॉमन होता है कि हमें उम्मीद होती है कि शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, हम कुछ उसका हिस्सा निकाल देते हैं और 80% मेजोरिटी हम क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। देन हमारे पास आता है 100%। जो 100% ट्रेडेड वॉल्यूम होता है वो हम होल्ड कर लेते हैं। हमारी मार्केट में ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि हर शेयर में डे ट्रेडर मौजूद होते हैं और उनका काम क्या होता है, वो शेयर को सुबह बाय करते हैं और प्रॉफिट में थोड़ा बहुत भी उन्हें प्रॉफिट आ रहा होता है तो वो शेयर को सेल कर देते हैं और इसमें स्कैल्पिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है।